हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सब कुछ शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर थर्ड क्विज लाए हैं। अब तक हमने टू क्विजेस कंप्लीट कर चुके हैं, ये थर्ड क्विज है बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, विच अमॉन्ग दिस इज द कोड फॉर इंडियन एयरलाइंस प्लेन्स। नीचे दिए में से किस वर्ड्स को कोड, ये कोड है इंडियन एयरलाइंस प्लेन्स के, यानी कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनके प्लेन्स को ये कोड दिया जाता है। जो इंडिया के प्लेन्स होते हैं, इंडियन एयरलाइंस के जो प्लेन्स होते हैं उसको ये कोड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 IA, ऑप्शन नंबर 2 IC, ऑप्शन नंबर 3 CD एंड ऑप्शन नंबर 4 DN। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच अमॉन्ग दिस इज द कोड फॉर इंडियन एयरलाइंस प्लेन्स। इंडियन एयरलाइंस प्लेन्स का कोड कौन सा होता है, IA, IC, CD या DN? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 IC। IC इज द कोड फॉर इंडियन एयरलाइन प्लेन्स, और द कोड विच इज यूज्ड फॉर इंडियन एयरलाइंस प्लेन्स इज द IC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमॉन्ग दिस बिजनेस टाइकून्स नेवर गॉट मैरिड एंड स्टिल रिमेन्स अ बैचलर। नीचे देखें वैसे कौन सा जो बिजनेस टाइकून है वो कभी भी उन्होंने शादी नहीं की और स्टिल रिमेन्स अ बैचलर और एज ए बैचलर वो रहे। ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी एन मित्तल, ऑप्शन नंबर 2 सुब्रत रॉय, थर्ड ऑप्शन इज रतन टाटा, फोर्थ ऑप्शन इज विजय माल्या। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, हु अमॉन्ग दिस बिजनेस टाइकून्स नेवर गॉट मैरिड एंड स्टिल रिमेन्स अ बैचलर। नीचे देखें में से कौन सा बिजनेस टाइकून कभी भी उन्होंने शादी नहीं की और एज ए बैचलर वो रहे स्टिल और अभी तक वो बैचलर है। ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी एन मित्तल, ऑप्शन नंबर 2 सुब्रत रॉय, ऑप्शन नंबर 3 रतन टाटा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज विजय माल्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रतन टाटा। रतन टाटा इज द बिजनेस टाइकून्स हु नेवर गेट मैरिड एंड स्टिल रिमेन्स अ बैचलर, और द बिजनेस टाइकून्स हु नेवर गेट मैरिड एंड स्टिल रिमेन्स अ बैचलर इज रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस रिटेल चेन स्टोर्स वॉज फाउंडेड बाय के रेजा कॉरपोरेशन इन 1991। नीचे देखे में से कौन सी रिटेल चेन स्टोर्स की फाउंडेड की, यानी कि उन्होंने न्यू रखी, किसने रखी, बाय रेजा कॉरपोरेशन इन 1991। नीचे देखे में से कौन सी रिटेल चेन स्टोर्स की न्यू रखी रेजा कॉरपोरेशन इन 1991 में। ऑप्शन नंबर 1 लाइफस्टाइल, ऑप्शन नंबर 2 शॉपर्स स्टॉप, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल, ऑप्शन नंबर 4 इज ग्लोबस। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शॉपर्स स्टॉप इज द रिटेल चेन स्टोर्स वॉज फाउंडेड बाय के रेजा कॉरपोरेशन इन 1991। और क्वेश्चन और इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रिटेल चेन स्टोर्स वॉज फाउंडेड बाय के रेजा कॉरपोरेशन इन 1991 इज शॉपर्स स्टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांड ऑफ GSM मोबाइल फोन इन इंडिया होल्डिंग अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 60%। नीचे देखे में से कौन सी कंपनी का ब्रांड ऑफ GSM मोबाइल फ़ोन इन इंडिया, ये जो GSM मोबाइल फ़ोन है भारत में, होल्डिंग अ मार्केट शेयर ऑफ एंड ओवर 60%, जो मार्केट शेयर होता है वो होल्ड करके रखा है 60%, ओवर 60% उसने मार्केट के शेयर होल्ड करके रहे। ऑप्शन नंबर 1 सैमसंग, ऑप्शन नंबर 2 मोटोरोला, ऑप्शन नंबर 3 इज नोकिया, ऑप्शन नंबर 4 इज सोनी इरिक्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नोकिया। नोकिया ब्रांड ऑफ GSM मोबाइल फोन इन इंडिया होल्डिंग अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 60%। नोकिया ये जो ब्रांड है GSM मोबाइल फोन का, वो इंडिया में कितना परसेंट मार्केट शेयर उसने होल्ड किया है? 60% मार्केट शेयर उसने होल्ड किया है नोकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अनाउंस टू स्पेयर अबाउट $1.5 billion एवरी ईयर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी USA। नीचे देखो से कौन सा वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन अनाउंस टू स्पेयर अबाउट $1.5 billion एवरी ईयर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी USA। यानी कि नीचे देखो में से कौन सा वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन यानी कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से है जिन्होंने अनाउंस किया कि वो एवरी ईयर हर साल $1.5 billion बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी को देंगे USA के। इस क्वेश्चन का सही, इसके ऑप्शन है लैरी इल्सन ओरेकल की, जिम सी वॉल्टन वॉलमार्ट के, शिल्डन एडल्सन होटल्स के, या वॉरेन बफेट हैथवे के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वॉरेन बफेट हैथवे की। हैथवे जो कंपनी उसके सबसे ज़्यादा शेयर है वॉरेन बफेट के पास। वॉरेन बफेट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अनाउंस टू स्पेयर अबाउट $1.5 billion एवरी ईयर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी USA। और द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अनाउंस टू स्पेयर अबाउट $1.5 billion एवरी ईयर टू बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी USA इज वॉरेन बफेट हु हैज द लार्जेस्ट शेयर इन हैथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग दिस रिटेल चेन स्टोर्स फॉर किड्स एंड मॉम्स इज फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा। नीचे दिख में से कौन सी रिटेल चेन स्टोर्स किड्स के लिए हैं, किड्स और मॉम्स के लिए, इज फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा, वो महिंद्रा हाउस है। ऑप्शन नंबर 1 जस्ट बॉर्न, सेकंड बेबी वॉक यू, थर्ड इज मॉम एंड मी, फोर्थ ऑप्शन इज लिली पुट। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच अमंग दिस रिटेल चेन स्टोर्स फॉर किड्स एंड मॉम्स इज फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा। ऑप्शन नंबर 1 जस्ट बॉर्न, सेकंड बेबी वॉक यू, थर्ड इज मॉम एंड मी एंड फोर्थ इज लिली पुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉम एंड मी। मॉम एंड मी इज द रिटेल चेन स्टोर्स फॉर किड्स एंड मॉम इज फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा, और द रिटेल चेन स्टोर्स फॉर किड्स एंड मॉम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ महिंद्रा इज मॉम एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द यूरोपियन स्टील कंपनी एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील फॉर ए प्राइज ऑफ $12.1 billion। नीचे देखिए में से कौन सी यूरोपियन स्टील कंपनी है जो एक्वायर्ड की गई टाटा स्टील ने फॉर ए प्राइज ऑफ $12.1 billion। तो नीचे देखिए में से कौन सी यूरोपियन स्टील कंपनी है जिसे टाटा स्टील ने खरीदा है, कितने प्राइस पे? तो $12.1 billion। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नेट स्टील इस कंपनी को, मिलेनियम स्टील को, कोरस को, या रिवाइज्ड कंपनी को। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोरस। कोरस इज द यूरोपियन स्टील कंपनी एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील फॉर ए प्राइस ऑफ $12.1 billion। और द यूरोपियन स्टील कंपनी एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील फॉर ए प्राइस ऑफ $12.1 billion इज कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमाउंट दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। नीचे देखो में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है प्रॉक्टर और गैम्बल इंडिया से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
इस क्वेश्चन का से आंसर कि आपके पास चार ऑप्शन है, एरियल ऑप्शन नंबर टू, पैंटिनी ऑप्शन नंबर थ्री, पैराशूट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पैम्पर्स। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। प्रॉक्टर और गैम्बल इंडिया से नीचे दिखो में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, एरियल, सेकंड पैंटीन, थर्ड पैराशूट, फोर्थ इज पैम्पर्स। इस क्वेश्चन का से आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का से आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पैराशूट। पैराशूट इज नॉट ए प्रोडक्ट फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, और इट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया इज नॉट इज पैराशूट। पैराशूट इज नॉट ए प्रोडक्ट फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU टॉप्स द लिस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नीचे दिए गए में से कौन सी इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट की टॉप पे रहती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की टॉप पे रहती है द लिस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगर प्रॉफिट के बारे में सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी कंपनी रहती है, ONGC, NTPC, SAIL या BSNL। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU टॉप्स द लिस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। फर्स्ट इज ONGC, सेकंड इज NTPC, थर्ड इज सेल एंड फोर्थ इज BSNL। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ONGC। ONGC इज द इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी हु टॉप्स द इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट द लिस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की लिस्ट में ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का कंपनी ONGC, वो टॉप पे रहते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इंटरनेशनल बैंक हैज़ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्रेजेंस ऑफ ओवर 150 ईयर्स इन इंडिया। नीचे दिखे में से कौन सी इंटरनेशनल बैंक है जिसके पास मोर देन नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रिस्किन ऑफ ओवर 150 ईयर्स इन इंडिया। पूरे 150 साल में नीचे दिखे में से कौन सी जो इंटरनेशनल बैंक है उसके पास मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस और प्रेजेंसेस हैं लगभग 150 ईयर्स में इंडिया में, सिटी ग्रुप, सेकंड HSBC, थर्ड इज स्टैंडर्ड कार्टर्ड, फोर्थ इज ड्यूट्स की बैंक। मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, विच अमॉन्ग दिस इंटरनेशनल बैंक हैज़ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्रिस्किन्स ऑफ ओवर 150 ईयर्स इन इंडिया। फर्स्ट इज सिटी ग्रुप, सेकंड इज HSBC, थर्ड इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फोर्थ इज ड्यूट्से बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज द इंटरनेशनल बैंक हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्रेजेंस ऑफ ओवर 150 ईयर्स इन इंडिया, और द इंटरनेशनल बैंक हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड प्रेजेंस ऑफ ओवर 150 ईयर्स इन इंडिया इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, HMT इंडिया एक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम विच ऑफ दिस इंटरनेशनल वॉच कंपनी। HMT इंडिया जो कंपनी है एक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड की फ्रॉम विच ऑफ दिस इंटरनेशनल वॉच कंपनी। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने एक्वायर्ड की वो किस इंटरनेशनल वॉच कंपनी से। ऑप्शन नंबर 1 रैडो, ऑप्शन नंबर 2 रोलेक्स, ऑप्शन नंबर 3 सीको एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सिटीजन। तो इन चारों में से किस इंटरनेशनल कंपनी वॉच कंपनी से HMT इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड की। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सिटीजन। HMT इंडिया एक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द सिटीजन इंटरनेशनल वॉच कंपनी, और HMT इंडिया एक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंटरनेशनल वॉच कंपनी हुज नेम इज सिटीजन। HMT इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड की सिटीजन इस इंटरनेशनल वॉच कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी इज द फर्स्ट टू डेवलप द पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम विथ इंटरचेंजेबल गेम पैक्स, चेंजेबल गेम्स पैक। नीचे देखिए में से किस कंपनी ने, वो फर्स्ट थी कंपनी जिसने डेवलप की द पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम, पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम जो चेंजेबल गेम पैक्स के साथ थी। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा था, विच कंपनी इज द फर्स्ट टू डेवलप द पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम विथ इंटरचेंजेबल गेम पैक्स। ऑप्शन नंबर वन इज कॉन्टेंडो, सेकंड इज निंटेंडो, थर्ड इज सोनी एंड फोर्थ इज सेगा। किस कंपनी ने, ये जो फर्स्ट कंपनी थी वो डेवलप द पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम विथ इंटरचेंजेबल गेम पैक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू निंटेंडो। निंटेंडो कंपनी इज द फर्स्ट टू डेवलप द पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम विथ इंटरचेंजेबल गेम पैक्स। निंटेंडो एक कंपनी है जो फर्स्ट कंपनी है जिसने डेवलप की पोर्टेबल हैंडहेल्ड गेम सिस्टम, किसके साथ, तो इंटरचेंजेबल गेम पैक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपनी वॉज द सिंगल बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स इन साउथ टावर ऑफ आइल फेटेड WTC NYUSA इन 9/11 अटैक। विच कंपनी वॉज द सिंगल बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स इन द साउथ टावर ऑफ आइल फेटेड WTC NYUSA इन 9/11 अटैक। 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें कौन से कंपनी के बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स इन साउथ टावर, जो साउथ टावर के जो आइल फेटेड WTC NYUSA के जो 20 फ्लोर थे वो किस कंपनी के थे? मेरी लिंच, सेकंड न्यूयॉर्क लाइफ, थर्ड इज मॉर्गन स्टैनले, फोर्थ इज गोल्डमैन सैक्स। तो इन चारों में से कौन सी कंपनी के वो बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स की साउथ टावर में थी ऑफ आइल फेटेड WTC NYUSA जो 9/11 अटैक में घायल हुए या फिर वहाँ पे वो अटैक हुआ? मेरिल लिंच, न्यूयॉर्क लाइफ, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले कंपनी वॉज द सिंगल बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स इन साउथ टावर ऑफ आइल फेटेड WTC NYUSA इन 9/11 अटैक। मॉर्गन स्टैनले उस कंपनी का नाम था हु वॉज द सिंगल बिगेस्ट ऑक्युपेंट ऑफ 20 फ्लोर्स इन साउथ टावर ऑफ आइल फेटेड WTC NYUSA इन 9/11 अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एट वॉट प्राइज एलन मित्तल एक्वायर्ड द लुक्जमबर्ग्स आर्चरल स्टील। किस प्राइस पे एलन मित्तल ने लुक्जमबर्ग्स आर्केलर स्टील की एक्वायर्ड किया यानी कि खरीदा? फर्स्ट ऑप्शन $3.35 बिलियन, सेकंड ऑप्शन $15.25 बिलियन, थर्ड इज $33.35 बिलियन एंड फोर्थ ऑप्शन इज $44 बिलियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड $33.35 बिलियन। इस प्राइस में एलन मित्तल ने लुक्जमबर्ग आर्केलर स्टील ये कंपनी एक्वायर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द इंस्क्रिप्ट लेटर्स LNG स्टैंड फॉर इन ए कोरियन ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। नीचे देखिए में से कौन सी जो इंस्क्रिप्ट लेटर्स LNG स्टैंड फॉर इन ए कोरियन ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
First option is life is good, second is luck and good, third is lucky and goody, fourth is lucky and gold star. जो कोरियन ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की, तो उसमें जो एल एन जीस वो किसके स्टैंड्स किसके लिए स्टैंड्स करते हैं? लाइफ इज गुड के लिए, लक एंड गुड के लिए, लक एंड गुड़ी के लिए, लक एंड गोल्ड स्टार के लिए. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लकी एंड गोल्ड स्टार. एल जी स्टैंड्स फॉर लकी गोल्ड स्टार. इट इज द एब्रिविएशन ऑफ द कंपनीज टैगलाइन लाइफ गुड. एल जी क्रॉप इज ए कॉन्ग्लोमेरेट इन साउथ कोरिया दैट डील्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. जो एल एन जी किसके लिए स्टैंड होते हैं? तो लकी एंड गोल्ड स्टार के लिए. एल जी स्टैंड फॉर लकी गोल्ड स्टार. इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ द कंपनीज टैगलाइन लाइफ इज गुड. लकी गोल्ड स्टार का एब्रिविएशन क्या है? लाइफ इज गुड, ये टैगलाइन का. एल जी कॉरपोरेशन इज ए कॉन्ग्लोमेरेट इन साउथ कोरिया दैट डील्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. जो एल जी कंपनी है साउथ कोरिया की, वो किसके प्रोडक्शन की डीलिंग करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स की, केमिकल्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. हु वॉज द फर्स्ट टू हैव हिज नेम बिकम नोन वर्ल्ड वाइड फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड. नीचे दिए गए में से किस इंसान का वो फर्स्ट वैसा इंसान है जिसका नाम फेमस हुआ वर्ल्ड वाइड किसके लिए? तो क्लोथिंग ब्रांड के लिए. ऑप्शन नंबर वन कैल्विन क्लेन, सेकंड राल्फ लॉरेन, थर्ड इज क्रिस्टियन डियोर, फोर्थ इज टॉमी हिल्फिगर. फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ. हु वॉज द फर्स्ट टू हैव हिज नेम बिकम नोन वर्ल्ड वाइड फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड? कैल्विन क्लेन, राल्फ लॉरेन, क्रिस्टियन डियोर, टॉमी हिल्फिगर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिस्टियन डियोर. क्रिस्टियन डियोर वॉज द फर्स्ट टू हैव हिज नेम बिकम नोन वर्ल्ड वाइड फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड. द फर्स्ट टू हैव हिज नेम बिकम नोन वर्ल्ड वाइड फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड इज क्रिस्टियन डियोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. वॉट इज द स्पेशल मार्क ऑन प्रीसियस मेटल्स टू शो देयर प्योरिटी. नीचे दिए में से कौन सा मार्क प्रीसियस मेटल्स को दिया जाता है उनकी प्यूरिटी दर्शाने के लिए? ऑप्शन नंबर वन बेंच मार्क, ऑप्शन नंबर टू एजी मार्क, ऑप्शन नंबर थ्री प्योर मार्क, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज हॉल मार्क. मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ. व्हाट इज द स्पेशल मार्क ऑन प्रीसियस मेटल्स टू शो देयर प्योरिटी. प्रीसियस मेटल्स पे एक स्पेशल मार्क दिया जाता है उनकी प्योरिटी दर्शाने के लिए, तो कौन सा होता है? बेंच मार्क, एजी मार्क, प्योर मार्क या हॉल मार्क. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हॉल मार्क. हॉल मार्क इज द स्पेशल मार्क ऑन प्रीसियस मेटल्स टू शो देयर प्यूरिटी. हॉल मार्क एक स्पेशल मार्क है जो प्रीशियस मेटल्स को दिया जाता है उनकी प्यूरिटी दर्शाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हु वॉज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर इन यूएसए. नीचे दिखे में से कौन सा यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है अमेरिका का? ऑप्शन नंबर वन रिचर्ड ब्रांसन, ऑप्शन नंबर टू सैम वॉल्टन, ऑप्शन नंबर थ्री बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज मिशेल डेल. हु वॉज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर इन यूएसए. नीचे दिए गए में से कौन सा यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है यूएसए का? रिचर्ड ब्रांसन, सैम वॉल्टन, बिल गेट्स या मिचेल डेल. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल गेट्स. बिल गेट वॉज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर इन यूएसए. बिल गेट्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर थे अमेरिके के.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच अमॉन्ग दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइजेस विथ ओवर 32,000 रेस्टोरेंट्स इन 120 कंट्रीज। नीचे दिए में से कौन सा वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइजेस है विथ ओवर 32,000 रेस्टोरेंट, जिसके 32,000 रेस्टोरेंट थे 120 देशों में। ऑप्शन नंबर 1 मैकडोनल्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 KFC, ऑप्शन नंबर 3 इज पिज्जा हट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सबवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल फास्ट फूड कंपनी और फ्रेंचाइज विथ ओवर 32,000 रेस्टोरेंट। मैकडोनल्ड्स एक ऐसी कंपनी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज, जिसके 32,000 रेस्टोरेंट है 120 कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग कार सोल्ड ओवर 40 मिलियन सिंस 1966। नीचे दिखो में से कौन सी वर्ल्ड की टॉप सेलिंग कार कंपनी है जिसने 1966 से अब तक 40 मिलियन कार्स सोल्ड की हैं। वॉल्सवैगन बीटल, लाडा रिवा, फोर्ड टी मॉडल, टोयोटा कोरोला। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग कार सोल्ड ओवर 40 मिलियन सिंस 1966। नीचे दिए गए में से कौन सी टॉप सेलिंग कार है जो 1966 से अब तक 40 मिलियन बार बिक चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 1 वॉल्सवैगन की बीटल, लाडा रिवा, फोर्ड की टी मॉडल, टोयोटा कोरोला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टोयोटा कोरोला। टोयोटा कोरोला इज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग कार, ये वर्ल्ड की टॉप सेलिंग कार है जो 40 मिलियन सोल्ड हो चुकी है। इस कार की 40 मिलियन जो होती है कार्स वो सोल्ड हो चुके हैं 1966 से अभी तक। तो इसी तरह से हमने 20 क्वेश्चंस बिजनेस के थर्ड क्विज इस टॉपिक के ऊपर, बिजनेस टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ये थर्ड क्विज थी बिजनेस टॉपिक के ऊपर, 2 क्विजेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड क्विज थी, ये थर्ड सेट था क्विज का। तो मैं यहाँ पे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने की ताकत मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू देता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो नॉलेज उनको भी मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।